जय माता दी साथियों, मैं नरेंद्र विश्वकर्मा आप सभी का अपने इस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको समीप के पर्यायवाची शब्द का एक बेहतरीन टॉपिक बताऊंगा। यदि आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो आप देखने के बाद आपको लगेगा कि मैंने इस चैनल को अभी तक क्यों सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल में तो वास्तव में बहुत ही अच्छी जानकारी दी जाती है। मैं पर्यायवाची शब्द याद करने के समय लंबे समय से परेशान हूँ, याद नहीं हो रहा है। यदि आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे हर रविवार रात 9 बजे आपको इसी प्रकार के नए पर्यायवाची ट्रक प्राप्त हो सके। तो आपका ट्रक था आपके सामने है, ना पास आ, ना पास आ। अरे कितना आसान ट्रक है, तो एक शब्द ना पास आ। इन चार शब्दों से तो मैं आप पर्यायवाची याद करने का ट्रिक याद कर सकता हूं। तो देखे, ना से हो जाएगा आपका निकट, पास से हो जाएगा पास, सा से हो जाएगा समीप, इसे सन्निकट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सन्निकट। और आ से हो जाएगा आपका आसन्न। तो यह था पर्यायवाची शब्दों को याद करने का बेहतरीन ट्रक, ना पास आ। यह बात तब की है, दो व्यक्ति बैठे थे, एक बच्चा था एक बच्ची थी। तो दोनों बस में सफर कर रहे थे, तो बस में सफर करते समय बच्ची ने बच्चे से कहा ना पास आ, और ये ट्रक आपका बन गया। ना से निकट, पास से पास, सा से समीप, सा से सन्निकट, आ से आसन्न। और जो मैंने कहानी सुनाई यह दंत गणित है, अर्थात इसका कोई असाक्ष्य नहीं है। जय माता दी साथ।